प्रधानमंत्री के आगामी उधमपुर दौरे को लेकर उधमपुर में भाजपा के मंत्रियों व पदाधिकारियों द्वारा जनसभा स्थल पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा, पीएचई मंत्री श्याम चौधरी, वन मंत्री लाल सिंह, शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी व भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से भाग लिया गया। बैठक में पीएम के दौरे की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। सात शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने व इंतजाम पुख्ता करने के लिए बैठक की गई है। आज उसी मोदी ग्राउंड में यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जो है वो 2 अप्रैल को रहेगा। चनानी नाशरी टनल का उद्घाटन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तय हुआ था कि हम सब एक भव्य कार्यक्रम जो है माननीय मोदी जी के आगमन पर करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, मोर्चों के अध्यक्ष, जिलाओं के अध्यक्ष और सभी उन मंडलों के इंचार्जेस जो अलग अलग से भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए संख्या लेकर आने वाले हैं, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख हमारे विधायक और मंत्रीगण भी जो थे इस बैठक में सम्मिलित थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम को जो है एक त्यौहार के रूप में लिया गया है, और ख़ास तौर पे जब 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, मात्र 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा, और साथ साथ में ही भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों में जीत के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको त्यौहार के रूप में मनाने हेतु जो है एक संकल्प लेकर, और आज हम लोग चाहते थे उस ग्राउंड को भी देखा जाए। मुझे भी इस ग्राउंड में कोई कार्यक्रम अटेंड करने का मौका नहीं मिला था। सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम सब इस ग्राउंड में जाएं, इस ग्राउंड में जाकर उस ग्राउंड को देखें, उसके बाद हम सब मिलकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।